विकास को और दूसरे जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं और बाकी चीजें जो है आप स्वतः ही कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण उठाकर एनालिसिस मिनटों में कर दीजिए। 40 मिनट के 35 मिनट 36 मिनट विकास के मुद्दे होते थे, 3-4 मिनट पॉलिटिकल जवाब देते थे। मगर दुर्भाग्य की बात है कि टीआरपी के कारण और फ्रंट पेज टाइटल बनाने के कारण वो 3 मिनट वाली चीजें ही छपती है। हम क्या कर सकते हैं भैया? आप सबको मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का भाषण का एनालिसिस करिए और विकास की बात कितने मिनट तक की गई वो निकालिए। ये सारे मुद्दे हमने विकास के रखे हैं जनता के सामने और जनता ने सुने भी है, स्वीकारे भी है। रविकांत देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि श्री राहुल गांधी के पास अगर कोई जानकारी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जब इस विषय पर सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए था। कोरे पॉलिटिकल आरोप लगाने से आरोप लगते नहीं है, जिन पर आरोप लगाते हैं इनके चरित्र के आधार पर जनता निर्णय करती है। ना भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है, ना इस प्रकार का कैरेक्टर है, ना हमारे नेता का है। तो कोई आरोप चिपकने का सवाल ही नहीं है। राफेल डील के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, कोई किसी भी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं हुआ है, ना एक कानी पाई का भी भ्रष्टाचार हुआ है। आदित्य टाइम्स नाउ। चलिए वो ठीक है, किसी के व्यक्तिगत विचार है, मगर हम बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ रहे, अच्छा फीडबैक हमारे पास है। मगर शिवसेना का भी जो व्यू है वो अपना व्यू है, इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं? मैंने मेरी बात जनता के सामने रखी, आपके सामने रखी, मैंने जवाब दे दिया ना। हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं है, बेसिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे या तो केक से जनरेट हुए थे, या सुप्रीम कोर्ट ने जांच ऑर्डर किया था, या सीबीआई उनकी साथ सरकार की सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब वो कटघरे में आते थे। इसका कोई बेस ही नहीं है, क्या जवाब देना है? और देश की रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर हर चीज का जवाब दिया है, हर चीज का जवाब दिया है, और सुनने के लिए भी राहुल गांधी बैठे नहीं थे। नवीन ये नहीं नहीं, देखिए हम नॉर्थ ईस्ट में अच्छा करेंगे, बंगाल में तो बहुत अच्छा करेंगे, उड़ीसा में भी अच्छा करेंगे, और दक्षिण में के सभी राज्यों में भी हमारी स्थिति में मत प्रतिशत और सीटों में हम सुधार करेंगे। कर्नाटक में भी हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, महाराष्ट्र में भी इम्प्रूवमेंट होगा।